हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडुकूल टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर वन ऑफ क्लास सेवेंथ एन बुक थ्री क्वेश्चंस दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ किंग जिसके पास थ्री क्वेश्चंस हैं और वो उन थ्री क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढ रहा है उसके ये थ्री क्वेश्चंस क्या हैं और क्या उसको अपने क्वेश्चन का आंसर मिलता है हम इस स्टोरी में रीड करेंगे सो लेट रीड द स्टोरी द थाट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ए न्यू थ्री थिंग्स यहाँ पर स्टोरी में हम किसी राजा के बारे में बात कर रहे हैं जिसके दिमाग में एक थाट आता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे थ्री थिंग्स पता होंगे दीज थ्री थिंग्स वॉट इज द राइट टाइम टू बिगिन सम थिंग किसी काम को शुरू करने का सबसे ज़्यादा सही समय क्या है विच पीपल शुड ही लिसन टू ऐसे कौन से लोग हैं जिसकी बात उसे सुननी चाहिए वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू और ऐसी कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो उसे करना चाहिए द किंग देव फोर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चन तो अब राजा क्या करता है वो पूरे अपने किंगडम में अपने मैसेंजर्स को अपने दूतों को भेज देता है ये कहते हुए कि वो एक बहुत अच्छा अमाउंट पैसा देगा उसको जो उसके इन थ्री क्वेश्चंस का जवाब उसको दे दें मैनी वाइज मैन केम टू द केंग बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली अब होता क्या है ये जो राजा ऐलान करवाता है उस ऐलान को सुनकर बहुत सारे लोग बहुत सारे वाइसमैन आते हैं लेकिन हर वाइसमैन उन क्वेश्चन का आंसर अलग अलग राजा को देता है इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेट किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो स्ट्रिक्टली अब क्या हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर्स कुछ लोगों ने तो ये दिया कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ओनली इन दिस वे दे सेट कुल ही डू एवरी थिंग एट इस प्रॉपर टाइम उनका मानना था इसी तरीके से वो हर चीज़ को एक प्रॉपर टाइम पर कर पाएगा अदर सेट दैट इफ वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग बाकी लोगों का ये मानना था कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप एडवांस में ही डिसाइड कर लें कि, कि किसी काम को करने का क्या सही टाइम है द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन अवॉइड फ्लिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम कुछ का ये एडवाइस थी कि राजा को क्या करना चाहिए उसे जितने भी वो फुलिश मतलब बाकी जितनी भी प्लेजर टाइम अपना स्पेंड करता है यानी कि मौज मस्ती में जितना भी वो टाइम स्पेंड करता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे हमेशा वो चीज़ करनी चाहिए जो उसे उस समय जरूरी लगे गेट अदर सेल्प हिम एट एट द proper टाइम अब कुछ लोगों का ये मानना था कि राजा को अपने नीचे काउंसिल बना लेनी चाहिए वाइस मैन की काउंसिल यानी कि ग्रुप बना लेना चाहिए वाइस लोगों का जो राजा को बताते रहे कि किसी काम को करने का क्या प्रॉपर टाइम है दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम दी अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन क्योंकि उनका ये मानना था कि एक आदमी के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये करेक्टली डिसाइड करना बिना बाकी लोगों की मदद से कि किसी काम को करने का क्या सही समय है बट देन अदर्स एट डेट देर सम थिंग विच कुड बी अर्जेंट दिस थिंग्स कुल नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल अब हुआ क्या अब जो पहले लोगों ने कहा कि भाई आपको अपने नीचे काउंसिल बनाना नहीं चाहिए दूसरे लोगों ने उसके अपोजिट बात कर दी उसको काटते हुए एक बात कही थी कि भाई कुछ चीज़ें इतनी जरूरी होती हैं इतनी अर्जेंट होती हैं कि आप वेट ही नहीं कर सके कि पहले काउंसिल उस चीज़ पे कोई डिसीजन ले और उसके बाद अब उस चीज़ पर काम करें तो इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि किसी काम को करने का क्या राइट right टाइम है

अब होता क्या है राजा को जो सेकंड क्वेश्चन होता है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग कौन है जिसकी बात उसे हमेशा सुननी चाहिए उस क्वेश्चन का भी उसे अलग अलग आंसर मिलता है कुछ लोग कहते हैं कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग तो उसके काउंसलर्स हैं यानी कि उसके मंत्री हैं कुछ लोग कहते हैं कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग उसके पुजारी लोग होते हैं जो प्रीस होते हैं वो कुछ लोगों का मानना था कि डॉक्टर्स होते हैं और कुछ का कहना था कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके सोल्जर्स होते हैं टू द ट्व क्वेश्चन रिलीजियस वर्शिप तो राजा का जो थर्ड क्वेश्चन होता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज़ क्या है करना उसके भी उसे अलग अलग आंसर्स मिलते हैं कोई कहता है साइंस कोई कहता है फाइटिंग और कोई कहता है रिलीजियस वर्शिप इट द आंसर्स टू हिस क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड इंस्टेंटली डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अर्टिन हर्म इट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम अब होता क्या है सिंस राजा के सारे क्वेश्चन के आंसर्स उसे इतने अलग अलग मिलते हैं तो वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता और इसलिए कोई भी रिवॉर्ड नहीं देता है बल्कि वो ये डिसाइड करता है कि वो एक काम करेगा किसी ऐसे हरमिट के पास हरमिट यानी कि किसी ऐसे साधु के पास जाएगा जो अपने ज्ञान के लिए फेमस होगा अपने विजडम के लिए फेमस होगा द हमिट लिव इन अ वर्ल्ड विच ई नेवर He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. सो अब राजा जिस साधु के पास जा रहा होता है वो साधु एक जंगल में रहता था और वो उस जंगल से कभी बाहर नहीं निकलता था और वहाँ पे वो केवल साधारण लोगों से मिलता था किसी राजा वगैरह से नहीं मिलता था तो राजा क्या करता है साधारण लोगों के आम आदमी के कपड़े पहन लेता है और वो जब बिल्कुल साधु की झोपड़ी के पास पहुँचने वाला होता है तो अपने घोड़े को अपने बॉडी के पास छोड़ देता है और फिर वहाँ से अकेला ही निकल जाता है एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ दर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ इस हट तो जब वो साधु के घर के पास पहुँचता है तो देखता है कि साधु क्या कर रहा होता है वो अपनी झोंपड़ी के आगे जो ग्राउंड होता है उसको खोद रहा होता है ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्क ही ग्रीटेड है विली अब जब वो हर्मिट राजा को देखता है तो वो उसको प्रणाम करता है लेकिन जो ये हर्मिट होता है वो बहुत ही बूढ़ा होता है और कमज़ोर होता है और जब वो काम कर रहा होता है तो काम करते करते उसकी जो सांस होती है वो फूल रही होती है द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेट आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चन हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा साधु के पास आगे पहुंचता है और उसे कहता है कि हे साधु महाराज मैं आपके पास आया हूं और मेरे पास थ्री क्वेश्चन हैं मैं चाहता हूं कि आप मेरे उन थ्री क्वेश्चन का जवाब दें और वो अपने तीनों क्वेश्चन उसको बता देता है द हरमिट लिसन टू द किंग बट डिट नॉट स्पीक ही वेंट ऑन डिगिंग अब होता क्या है हरमिट राजा के सारे क्वेश्चन सुन तो लेता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता और अपना काम जो वो कर रहा था ग्राउंड को डिग करने का वो करता रहता है यू आर टायर्ड सेट द किंग लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन

अब जब राजा दो गड्ढे खोद देता है तो वो अपने जो क्वेश्चन होते हैं साधु से फिर से पूछता है लेकिन साधु कोई जवाब नहीं देता बल्कि अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए स्पेट को मांगते हुए उसे कहता है है कि अब ठीक तुम आराम करो मैं काम करता हूँ लेकिन जो किंग है वो उसको साधु को स्पेट नहीं देता है और अपना काम फिर से करना शुरू कर देता है वन आर पास टेन अनाद सन पेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेट इन टू द ग्राउंड एंड सेट आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन इफ़ यू कैन Give me me no answer. Tell me so, and I will return home. Here comes someone running. Said the अब काम करते -करते एक जाता है, और घंटा बीत जाता है और जो सूरज होता है वो ट्रीज के पीछे जाके छुप जाता है एक्ट लास्ट राजा क्या करता है जो उसके हाथ में स्पेड होती है उसे ग्राउंड में गाड़ देता है और साधु के पास जाके कहता है कि हे महाराज मैं तो आपके पास आया था कि आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब देंगे लेकिन अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा तभी साधु अचानक से कहते हैं देखो कोई भागता हुआ इधर की तरफ ही आ रहा है इसी के साथ आपका स्टोरी का पार्ट वन कंप्लीट हो गया है अब हम पार्ट टू स्टार्ट करते हैं The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. अब राजा देखता है कि उनकी तरफ जो आदमी भागकर आ रहा है वो आदमी कैसा है? Bearded, bearded mean उसकी दाढ़ी थी। उसने अपने हाथों को अपने स्टमक के आगे रखा हुआ था उससे वो अपने हाथों से अपने स्टमक को दबा रहा था जिसमें से खून निकल रहा था और वो जैसे ही राजा के पास पहुंचता है वो फेंट हो जाता है फेंट हो जाता है यानी कि वो बेहोश हो जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है द किंग एंड द हर मेट रिमूव द मैंस क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन ए स्ट्रमक अब जो राजा होता है साधु होता है जब वो उस आदमी के कपड़ों को हटाकर देखते हैं तो पता चलता है उन्हें उस आदमी को तो एक बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लगी हुई होती है उसके पेट में द किंग washed एंड covered इट with हिज handkerchief, but बट द ब्लड not नॉट स्टॉप फ्लोइंग द किंग the wound until at last the bleeding stopped. अब जो किंग होता है वो क्या करता है सबसे पहले तो उसका जो जख्म होता है उसको अपने हैंकरचिप से अपने हैंकी से पहुँचता है लेकिन जो खून होता है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता तो किंग क्या करता है उसके द्वार से पट्टी कर देता है उसके ज़ख्म की एंड एट लास्ट जो उसका खून बहना होता है वो रुक जाता है द मैन फिल्ड बेटर एंड आस पॉस समथिंग टू ड्रिंक अब जो आदमी होता है उसे पहले से बेटर लगने लगता है और वो कुछ पीने के लिए मांगता है द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हेम तो राजा उसके लिए फ़्रेश पानी लेकर आता है और उसको पीने के लिए देता है बाय दिस टाइम द सन हेट सेट इन द एयर वॉज स्कूल लेकिन तब तक होता क्या है जो सूरज है वो पूरी तरीके से ढल चुका होता है और ठंडी ठंडी हवा बहना शुरू हो चुकी होती है द किंग विद द हर्मिट सेल्फ कैरिड दौंडेड मैन इन टू द हर्ट एंड लेड हिम ऑन द बेड तो जो राजा होता है वो साधु की मदद से उस जख्मी इंसान को हट के अंदर लेकर जाता है और उसे बिस्तर पर लिटा देता है द मैन क्लोज हिज आइज एंड लेक और जो आदमी होता है वो अपनी आंखें बंद करके शांति से लेट जाता है द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन लेट डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्ल्प थ्रू द नाइट अब होता क्या है कि जो राजा होता है सिंस इतना पैदल चलकर आया होता है और जो काम उसने किया होता है उसकी वजह से बहुत थक चुका होता है तो वो भी जमीन पर लेट कर सो जाता है और पूरी रात भर सोता रह जाता है वेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर Where ही was और हु the strange बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज अब जब राजा की सुबह नींद खुलती है तो उसे कुछ टाइम लगता है कुछ मिनट्स लगते हैं ये याद करने के लिए कि वो कहाँ पर है और ये जो अजीब सा बियर्डेड मैन उसके पास बेड पे लेटा हुआ है वो कौन है Forgive मी सेट द bearded मैन इन अ वीक voice वेन ही सॉ द किंग वॉज awake अब जब वो बियर्डेड मैन देखता है कि राजा उठ चुका है तो वो उसे कहता है कि आप मुझे कृपया करके माफ़ करें आई डो नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉर गिव यू फॉर सिद्ध किंग राजा कहता है भाई मैं तो आपको जानता ही नहीं और मुझे पता भी नहीं आप मुझसे किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो यू डोंट नो मी बट आई नो यू तो वो आदमी कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ आई एम दैट एनीमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की थानी थी रिवेंज यानी कि बदला बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू दैट एंड सीज माई प्रॉपर्ट आदमी कहते हैं मैं आपसे बदला इसलिए लेना चाहता था क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सजा दी थी और आपने मेरी प्रॉपर्टी को सीज भी कर लिया था उस पर कब्जा भी कर लिया था आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे हूँ कहता है मुझे पता था कि आप अकेले उस हर्मिट से उस साधु से मिलने आ रहे हैं और मैंने अपना माइंड मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब आप वापस लौट रहे होंगे अपने घर की तरफ तो मैं आपको मार दूंगा बट दट पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न लेकिन जो पूरा दिन था वो बिगता चला गया और अब आप वापस नहीं आए सो आई लिफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड तो मैंने अपनी जहाँ पे जिस जगह पे मैं छुपा हुआ था मैंने उस जगह को छोड़ा और मैं आपके बॉडी गार्ड तक जाऊँ हु रिक्नाइज मी एंड वॉन्टेड मी और उसने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया आई इस्केप फ्राम हेम बट आई शुड हैव डाइट इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस माई वॉन्ट्स मैं उसे बच के तो भाग गया उसे इस्केप तो हो गया लेकिन मैं मर जाता अगर आपने मेरे वॉन्ट्स की आपने मेरे जख्मों की ड्रेसिंग नहीं करी होती आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ मैं आपको मानना चाहता था लेकिन आपने तो मेरा जीवन बचा लिया ना इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेटफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम तो अब मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं आपका हमेशा सब वफादार सर्वेंट बन के रहूंगा और मैं अपने बेटों को भी कहूंगा वो भी ऐसा ही करें फॉर गिव मी मुझे माफ कर दो किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एंड ए मी सो इजली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड ही नॉट ओनली फॉर गिव हिम बट ही हि सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी राजा बहुत खुश हुआ कि उसने अपने दुश्मन को इतने आसानी से दोस्त बना लिया उसने ना केवल उसको माफ कर दिया बल्कि ये भी कहा कि वो अपने सर्वेंट्स को भेजेगा और अपने खुद के डॉक्टर को भेजेगा जो उसकी केयर करेंगे और उसने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी भी वापस कर देगा लिविंग द वॉन्टेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट अब उस वॉन्टेड मैन को झोपड़ी के अंदर ही छोड़कर राजा ने हर्मेट को ढूंढना शुरू करा बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन क्योंकि वो जाने से पहले फिर से चाहता था कि एक बार और कोशिश करना चाहता था कि जो साधु है वो उसके क्वेश्चन के आंसर दे दे द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेस्ट दैट द डे बिफोर

तो वो जो साधु होता है वो तब भी जमीन पर ही बैठा रहता है लेकिन राजा की तरफ देखते हुए कहता है कि आपको तो आपके सवालों के जवाब पहले ही मिल चुके हैं हाउ हैव आई बीन आंसर वॉट डू यू मीन तो राजा कहता है राजा कि भाई मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर कैसे मिल गया आपका क्या मतलब है डू यू नॉट सी द हर्मिट इफ यू हैड नॉट पिटीट माई वीकनेस येस टर्डे एंड हैड नॉट विल हैव गॉन अवे तो वो जो साधु होता है वो राजा से कहता है कि आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि अगर कल आप मेरे पे दया नहीं खाते मेरी कमज़ोरी पे दया नहीं खाते और आप ये गड्ढों को मेरे लिए नहीं खोदते तो आप यहाँ से जा चुके होते दैन दैट मीन विल हैव अटैक यू एंड यू विल हैव विश डेट यू हैड स्टेड विथ मी तो वो आदमी ना तुम पे हमला कर देता और तुम ये विश कर रहे होते कि काश तुम मेरे पास रुक जाते सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू आर डिगिंग द बैट्स सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम इन बैट्स को डिग कर रहे थे एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉटेंट मैन और तुम्हारे लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान मैं था डू मी गुड वॉज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस और मेरे लिए कुछ अच्छा काम करना तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था उस वक्त आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम और उसके बाद जब वो आदमी हमारी तरफ़ भागता हुआ आया तो सबसे ज़्यादा जरूरी समय उस वक्त वो था जब तुम तो उस आदमी की केयर कर रहे थे बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वाउन्स ही वुल हैव डाइट विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू क्योंकि अगर तुम उसके वाउस की ड्रेसिंग नहीं करते तो वो मर जाता बिना तुमसे दोस्ती करे हुए सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस तो उस वक्त वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान था और तुमने जो उसके लिए किया वो तुम्हारा उस वक्त का सबसे ज़रूरी काम था एम्बर देन देर इज़ ओनली वन टाइम देट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड देट टाइम इज़ नाउ इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट तो वो साधु राजा को कहता है कि हमेशा ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय क्या होता है अभी जो प्रेजेंट टाइम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वही इकलौता टाइम होता है जब हमारे पास ताकत होती है किसी काम को करने की द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद At a particular moment, for no one knows what will happen in the future, and whether we will meet anyone else. तो वो राज कहता है कि हमेशा ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान तुम्हारे लिए वो है जिसके साथ तुम इस वक्त हो क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और फ्यूचर में हम कभी किसी और इंसान से मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वेंट इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन तो वो साधु राजा से कहता है कि हमेशा ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है कि तुम इस वक्त जिस इंसान के साथ हो उसके लिए कुछ अच्छा करो क्योंकि हमें दुनिया में इसी पर्पस के लिए इसी कारण से भेजा गया था फ्रेंड्स आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी इफ़ न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट जिससे आप आने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना करें दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय